आज हम बनाएंगे सुल्तानी दाल। ये देखो देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है, खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट है। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए लेंगे हम अरहर की दाल। अरहर की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अरहर की दाल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें आधी चम्मच हम हल्दी लेंगे, 1 चम्मच हम मिर्च पाउडर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, दाल को गलने लायक पानी डालेंगे। ढककर हम पहले उबाल देंगे। दाल में उबाल आने लगा है। दाल को हम कुकर में भी बना सकते हैं। ये जो दाल पर झाग आ रहा है इसे उतार देंगे। अब हम कढ़ाई को ढककर डिम गैस करके दाल को हम गलने के लिए छोड़ देंगे। 7-8 हम सफ़ेद इलायची ले लेंगे, 4 बड़ी इलायची ले लेंगे, 7-8 हम लौंग ले लेंगे। अब हम इस बड़ी इलायची का हम छिलका उतार लेंगे और इसके दाने लेंगे। ये सारे मसाले हम एक मामजस्ते में डाल देंगे और इन खड़े मसालों को कूट लेंगे। एक बाउल में हम दही को लेंगे। हम घर की मलाई भी ले सकते हैं और आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। दही और मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे। आइए दाल को खोल कर देखते हैं। दाल हमारी गल चुकी है। फेंटी हुई दही और मलाई डाल देंगे। गैस को फुल खोल देंगे। अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। ये देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। गैस जलाकर यह दालचीनी हम दूसरी गैस पर जलने के लिए रख देते हैं। हमें इसका कोयला बनाना है। दाल में बॉईल आ चुका है। दाल के नीचे हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये पान का पत्ता हम दाल के ऊपर रखेंगे। अब हम ये दालचीनी जो जलाई थी हम ये रख देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। और ढककर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आइए दाल को खोल कर देखते हैं। मैंने दाल को स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। आइए हम इसकी दालचीनी निकाल देते हैं। पान के पत्ते को इसका जो घी है इसमें डालकर इसको निकाल देंगे। आपके पास लकड़ी का कोयला है उससे भी हम स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। आइए हम तड़के की तैयारी करते हैं। 2 बड़े चम्मच हम घी ले लेंगे। घी गर्म हो चुका है, हम उसे लहसुन डाल देंगे। अब जीरा डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे बीच में से, बारीक कटी प्याज डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे बस। अब तड़के में कश्मीरी दाल में डाल देंगे, इसको चलाएंगे। अब हम इसे दाल में डाल देंगे। गैस को जला देंगे। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो मसाला डाल देंगे। देखो क्या खुशबू आने लगी है मसाला डालते ही। इसको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी देर पकने के बाद हम दाल को डिश आउट करते हैं। बढ़िया बनी है, क्या खुशबू आ रही है दाल में। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।